वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एक्सचेंजेस के बारे में। क्या वजीरेक्स और वर्ल्ड के बाद इंडियन एक्सचेंजेस बाकी जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं उनके भी नंबर लग सकते हैं? बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि कॉइन डीसीएक्स के बारे में बताइए, कॉइन स्विच कुबेर के बारे में बताइए, तो इनके भी क्या नंबर लग सकते हैं, क्या इन एक्सचेंजेस के ऊपर जो हमारे फंड्स हैं, जो क्रिप्टो हैं, वो सेफ हैं या नहीं है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आजकल इंडियन एक्सचेंजेस को लेके माइंड में सबसे पहले ये आता है कि वो सेफ हैं या नहीं है, क्योंकि जिस तरह के एक्शन उनकी उन पे लिए जा रहे हैं, मतलब अगर आप देखेंगे ईडी के जो एक्शन हो रहे हैं, 370 करोड़ फ्रीज किए गए हैं वर्ल्ड के, और 64 करोड़ अगर आप देखेंगे यहाँ पे फ्रीज हुए वजीरेक्स के। अभी दो एक्सचेंज बिल्कुल यहाँ पे, और ये जो सारे आपने देखा कुछ टाइम पहले ईडी की तरफ से नोटिस दिए गए थे इन सभी डिजिटल एसेट एक्सचेंजेस को, मतलब इंडियन एक्सचेंजेस को, और इस लिस्ट में और भी एक्सचेंजेस हो सकती हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ ये भी हैं कि ना हो, लेकिन ये भी हैं कि हो सकती हैं, और ईडी की तरफ से नोटिस तो एक्सचेंजेस को दिए गए हैं। अभी भी 10 एक्सचेंजेस रडार के ऊपर हैं, इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है 10 एक्सचेंजेस के ऊपर, और 10 एक्सचेंजेस का नंबर बहुत बड़ा है। इसके अंदर कॉइन डीसीएक्स भी हो सकती है, कॉइन स्विच कुबेर भी हो सकती है, और भी जो आप एक्सचेंज यूज़ करते हो, जैप्टे, जो भी इंडियन एक्सचेंजेस हैं उन वो सब एक्सचेंजेस हो सकती हैं, अगर उनका इन्वॉल्वमेंट है किसी ऐसी एक्टिविटी के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेके किसी ऐसी एक्टिविटी के अंदर अगर ये चीज़ उनका इन्वॉल्वमेंट है तो उन पे यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा, और एक्शन लिया जाएगा तो एक्सचेंज प्रॉब्लम में आएगी, और एक्सचेंज प्रॉब्लम में आएगी तो एक्सचेंज के यूज़र्स भी प्रॉब्लम में आएंगे, ठीक है। आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि कॉइन डीसीएक्स, कॉइन स्विच कुबेर, इनका नंबर होगा या नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इनका नंबर होगा ही होगा, नहीं भी हो सकता, ठीक है, लेकिन टाइम बताएगा। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, और यहाँ पे वर्ल्ड के ऊपर एक्शन लिया है। वर्ल्ड ने रिसेंटली अभी कहा है कि वो पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं ईडी को, लेकिन उन्होंने यहाँ पे इन चीज़ों से तो है थोड़ा यहाँ पे ये जो एक्शन लिया है ना फ्रीज वाला, मतलब जो एसेट फ्रीज किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड थोड़ा सा उसका विरोध यहाँ पे कर रहा है, वर्ल्ड की तरफ से थोड़ा ये इस चीज़ को लेके हो रहा है, और पूरी तरह कोऑपरेशन वजीरेक्स का भी चल रहा है, वर्ल्ड का भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एक्शन लिया गया है सारी चीज़ें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ती हुई दिख रही हैं। और अगर इस चीज इस केस में किसी भी एक्सचेंज का इन्वॉल्वमेंट होगा तो एक्शन होगा, एक्शन होगा तो एक्सचेंज के यूज़र्स भी इफेक्ट होंगे। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं आप इंडियन एक्सचेंज यूज़ कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक इंटरनेशनल एक्सचेंज का भी बैकअप रखिए। जितना आपका फंड है 80-90% आप उसको रख सकते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर, पूरा ही रख सकते हैं अगर रखना चाहें तो, ठीक है, और नहीं तो आपकी इस टाइम पे चॉइस यही है, एक ऑप्शन यही है कि आप अपने फंड्स को सेफर रखना चाहते हो तो बिना टेंशन फ्री, तो टेंशन ना हो तो आपके फंड एक इंटरनेशनल एक्सचेंज पे सेफ रह सकते हैं, और एक्सचेंज का सिलेक्शन कीजिए जो सेफ्टी सिक्योरिटी के मामले में हाई हो, ठीक है। आप बाइनेंस को यूज़ कर सकते हैं, नीचे लिंक है बाइनेंस का, आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाइनेंस को नंबर वन है। बिल्कुल ये सोचने से अच्छा कि आज एक्सचेंज के ऊपर कुछ एक्शन होगा या नहीं होगा, कॉइन डीसीएक्स के ऊपर कुछ होगा या नहीं होगा, ये सोचने से अच्छा आप अपना फंड जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर, और जब यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ, ठीक है, सब चीज़ें क्लियर हो जाएँ, कौन सही है कौन गलत है, तब आप इंडियन एक्सचेंज पे फिर से शिफ्ट हो सकते हो, वो चॉइस आपकी है। लेकिन अभी आपका टेंशन फ्री रहना ज़रूरी है, और टेंशन फ्री आप तभी रहेंगे जब आपके फ़ंड पहुंच जाएंगे एक ऐसी एक्सचेंज पे जिस एक्सचेंज पे आपके फ़ंड्स को कोई ख़तरा नहीं है, कोई आपकी क्रिप्टो को ख़तरा नहीं है, ठीक है। तो इंडियन एक्सचेंज यूज़ आप बाद में भी कर सकते हो, ठीक है, सब चीज़ें ठीक रहेंगी तो इंडियन एक्सचेंजेस रहेंगी, और अगर कोई इन्वॉल्वमेंट रहेगा, कोई ऐसी चीज़ सस्पेक्टेड निकलेगी तो एक्शन भी होगा, और एक्शन होगा तो फिर इससे अच्छा आप पहले ही जो है अपने फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है क्योंकि 10 एक्सचेंजेस रडार के ऊपर हैं, इन्वेस्टिगेशन जो है ईडी का चल रहा है, ठीक है। यही कुछ चीज़ें थी, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यही था कि आने वाले टाइम में बाकी एक्सचेंजेस पे भी एक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, ये चीज़ टाइम बताएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट होगा तो एक्शन होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे अपने फंड्स को सेफ रखना चाहते हैं तो इंटरनेशनल एक्सचेंज को यूज़ आज नहीं करोगे तो कल आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो तैयारी अभी से आप कर लो, यूज़ कर लो, ठीक है। यही कुछ चीज़ें थी इस वीडियो के अंदर, आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।